ट्वेल्थ स्टैंडर्ड 12वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। पाठ का शीर्षक होता है हमारी ताकत और जिम्मेदारियाँ, मतलब और स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आतर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में आपको पता है ना छात्रों? चलो और कुछ देखेंगे उनके बारे में। उनका जन्म हुआ था नवंबर 14, 1889 में। आज तक भी उनके जन्म को हमें बाल दिवस से मनाते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1948 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपना निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उनके चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए, यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले 1941 में ही सुलझ चुका था, जब गांधी जी ने नेहरू को उनके राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकार किया। प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत के सपने को साकार करने के लिए चल पड़े। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की एक महत्वाकांक्षी योजना की। शुरुआत की मुख्यतः एक बहुवचनी बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित करते हुए उन्होंने गैर निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। नेहरू के नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों में प्रभुत्व दिखाते हुए उन्होंने 1951, 1957 और 1962 के लगातार चुनाव जीते हुए एक सर्वग्रहण पार्टी के रूप में उभरी। अगस्त सन 1951 को दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण का एक अंश है। आज 5वीं बार मैं यहाँ लाल किले की दीवार पर आया हूँ इस प्यारे झंडे को पहराने के लिए। 4 बरस हुए और मुनासिब था कि आप और हम उस मौके को मनाने के लिए यहाँ जमा हो, यहाँ इस लाल किले की दीवार पर या इसके करीब, क्योंकि इस किले की एक एक ईंट और पत्थर, और जैसे कि इस दिल्ली की एक एक ईंट और पत्थर हिंदुस्तान की तारीख से बड़ा है। इस शहर ने हिंदुस्तान की शान देखी और हिंदुस्तान का गिरना देखा, हिंदुस्तान का आगे बढ़ना देखा और उसका पतन देखा। दिल्ली की याद में, दिल्ली की दिमाग में ये सब पुरानी तस्वीरें हैं, तो इसलिए मुनासिब था कि इस वक्त, जबकि एक नई करवट कौम ने ली, दिल्ली शहर
अब यह दिल्ली का लाल किला इन बातों को देखता और उससे इसका भी कोई संबंध किया जाता। आप और हम 4 बरस हुए यहाँ जमा हुए थे इस शहर में, और हिंदुस्तान के हर एक गांव और शहर में खुशी मनाई गई थी, क्योंकि अपने बड़े सफ़र की एक मंजिल पर हम पहुँचे थे, जो हमारी पुरानी आरजू थी, जिसके लिए जद्दोजहद की थी, जिसके लिए एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ हमने मुकाबला किया। उसमें हमारी कामयाबी हुई और हम आखिर मंजिल में पहुँचे। आज हमारी रूहानी की ताकत, हमने आज़ादी हासिल की किस तरह से, कौन सी ताकत थी जो हमने पैदा की, वह ताकत थी एक रूहानी ताकत और एक दिल की ताकत, जो कि कभी दुश्मन के सामने झुकती नहीं थी, जो कि कोई भी मुसीबत आए फिर भी उससे घबराती नहीं थी। यह ताकत महात्मा जी हमारे दिल में डाली। हम तो मामूली आदमी थे, कमज़ोर दिल के थे, आपस में लड़ने वाले, लेकिन उन्होंने ये सबक हमें सिखाया अपने मिसाल से और अपनी लफ्ज़ों से, अपनी बातों से, कि हमें ऊंचे रास्ते पर चलना है, हमें आपस में मिलकर रहना है, क्योंकि मिल्लत में ही ताकत होती है। हमें इस देश का ज़बरदस्त मजबूत देश बनाना है। इसके 40 करोड़ आदमी मिलकर एक तरफ देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमारी ताकत बढ़ी। किसकी ताकत थी वह? बड़े हथियार की नहीं, बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों की ताकत थी और दिलों का मेल था। अगर वह ताकत कम हो तो कोई ऊपर की ताकत हमें बहुत दूर नहीं ले जाएगी। लोग समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए और हम काम पूरा करे हुआ, फिर अब हम आपस में जो चाहे कर चाहें, हम आपस में लड़ाई भी लड़े या और तरह अपनी ताकत ज़्यादा करें। यह गलत बात है। याद रखिए, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक्त गफलत में पड़े यह फिसल जाएगी। आज की हालत, आज अजीब हालत है। मैंने देखा पुराने ज़माने में अक्सर बड़े ज़ोरों से काम होते थे, मुकाबला होता था आज के लड़ाई में, और फिर मैं देखने लगा कि अक्सर लोग जो पहले काम करते थे अब उस काम की याद में आराम करते हैं। जहां काम के बजाय आराम ज़्यादा हुआ वहां कौम कमज़ोर हुई। हिम्मत के बजाय सुस्ती आ गई तो कौम कमज़ोर हुई। इसलिए ज़रा हमें बुनियादी बातों की तरफ देखना है। बुनियादी का मतलब क्या है? बेसिक, फंडामेंटल, फंडामेंटल जो बेसिक बातों होते हैं उसके बारे में देखना है। एक दिन सवेरे हमारे राष्ट्रपति राजघाट गए, मैं भी गया, कुछ और लोग भी गए, महज एक फर्ज अदा करने की नहीं, बल्कि कुछ ताकत लेने अपने दिमाग और दिल को उस पुरानी याद से। यहाँ तो हमेशा हरी रहती है, लेकिन फिर भी मुनासिब है कि हम उसको बार बार अपने सामने लाएं, उन उसूलों को, उस सबक को। तो मैं वहाँ गया और वह तस्वीर मेरे सामने आई और वह लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजे, जो बरसे हुए हम सुना करते थे और हम
उनके सुनने से महरूम हो गए। वहाँ से यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ और मेरा ख्याल दौड़ा इस आजकल के हिंदुस्तान की हालत की तरफ की, हम सब, आप, हम और इस मुल्क के रहने वाले ये किश्ती पर हैं और किश्ती हिली तो हम सब डूबे। यह ना कोई समझे कि अगर मुल्क गिरे तो कोई बच जाता है, अगर मुल्क आगे बढ़े सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारा नाता क्या है और रिश्ता क्या है। आपस में आप बहस करें, अलग अलग दल और अलग अलग पार्टी बनाएं और चुनाव में जाएं, लेकिन हमारा नाता और रिश्ता जबरदस्त और हर वक्त का है। और ख़ासकर इस वक्त जबकि दुनिया में खतरा और हमारे मुल्क में तरह तरह के बाहरी और अंदरूनी खतरे हैं, तब और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी छोटी छोटी बातों को दबाएं और गिराएं और अपने को तगड़ा करें, मजबूत करें, आपस में एकता करें। याद रखिए हमें 40 करोड़ लोग हैं, जाहिर है कि कोई 40 करोड़ हिंदुस्तान में फरिश्ते नहीं हैं, कमज़ोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करें, सब तरह के लोग मुल्क में होते हैं, तो हमें इस बात के घबराना नहीं है। बाहर के मुल्कों से लोग आ सकते हैं झगड़ा फसाद करने, क्योंकि हर एक जानता है कि आखिर में ताकत मुल्क में अमन और एकता कायम करने से होती है। लेकिन कुछ लोग तो बेवकूफ़ी से या अपनी जहालत से और कुछ लोग समझ बूझ कर झगड़ा पैदा करते हैं ताकि मुल्क कमज़ोर हो। क्या समझ में आता है छात्रों? ये पाठ ध्यान से पढ़ो, ये फोरनून सेशन का होता है, इसका बाकी आफ्टरनून सेशन में कंटिन्यू होगा। सो ध्यान से आफ्टरनून सेशन को भी आपने देखना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।